बच्चों ये टॉपिक ठीक से कल क्लियर नहीं हो पाया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कनेक्शन में। ठीक है, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं व्हील और एक्सल में। व्हील एंड एक्सल, व्हील मतलब आपका समझ में आ गया होगा, व्हील मतलब क्या होता है पहिया, और एक्सल का मतलब आप हिंदी में धुरी कहते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ जो है वो एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील ये और एक व्हील ये। ठीक, अब जैसे साइकिल है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया, तो साइकिल में दो व्हील्स होती हैं, ठीक है, तो टू व्हील्स है यहाँ पे, एक यहाँ एक इधर, तो वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। अब वो किसकी वजह से जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक तो दूरी की वजह, इसकी वजह से, एक्सल की वजह से, और दूसरा जो आपका खुले वाला जो हम लोगों ने टॉपिक अभी क्लियर किया उसकी वजह से, ठीक है, तभी वो आगे मूवमेंट कर पाती है। ठीक है, अब आपकी फोर व्हीलर है, तो फोर व्हीलर में भी टू फोर टायर हो गए, और फोर टायर वो एक दूसरे से कनेक्ट किससे होती हैं, एक्सल से, ठीक है ना, किससे कनेक्ट होती है, एक्सल से। अगर वो एक्सल से कनेक्ट नहीं होंगी तो आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो व्हील्स होंगी वो इधर उधर फ्लैक्चुएट करेंगी, और जब वो फ्लैक्चुएट करेंगी तो एक ठीक से वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इसलिए बीच में ये हमारा एक्सल, ये एक्सल जरूरी होता है। आपने वॉच देखी होगी, ठीक है, वॉच देखी है, कोई भी वॉच आप लगा लीजिए, ठीक है, आप नॉर्मल जो वॉच लगाते हैं वो, या वॉल क्लॉक लगाते हैं वो, कोई भी वॉल क्लॉक ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप ये नीडल्स देख रहे हैं, थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है, अभी थ्री टाइप्स की नीडल्स जो पीछे मशीन लगी होती है उसमें व्हील्स लगी होती है, ठीक है, उससे कनेक्ट होती है। उन व्हील्स के बीच में भी एक क्या होती है, एक्सल, एक व्हील होता है और एक एक्सल होता है, जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है और वो प्रोसेसिंग यू यू करती रहती है। कभी भी आप क्या कहते हैं उसकी मशीन को निकाल के देखेंगे तो इस टाइप के तरीके से चलती है। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, मशीन कुछ इस तरीके से होती है, पहले सर्कल में रहती है, बीच में होल रहता है, और दूसरी तरफ से एक्सल कनेक्ट होता है, और ये आपका दूसरा छोटा या बड़ा जिस तरीके की साइज का होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो वो उससे कनेक्ट होता है। तो यानी जब तक व्हील एक्सल से कनेक्ट नहीं रहेगा वो वर्क प्रोसेस ठीक से नहीं करेगा, इसीलिए व्हील और एक्सल को एक साथ रखा जाता है ताकि वो प्रोसेसिंग अच्छे से कर सके, ठीक है ना। और उसकी जो भी क्या कहते हैं, आप जैसे मान लीजिए कोई डोर है, ठीक है, डोर में भी व्हील होती है और एक्सल होता है, ठीक है, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो उसके आते हैं, बस, ट्रक, ये सारी चीजें व्हील और एक्सल पे डिपेंड होती है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे फिर से पूछिएगा। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ सिंपल मशीन्स, क्लास 12th का, क्लास 5th का, ये आज का डाउट सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट एवरीवन।